सत अकाल, मैं हिमानी, मेंबर ऑफ टैगन क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस। पास्ट इनडेफिनेट टेंस सीखने से पहले हमें पास्ट का मतलब पता होना चाहिए। पास्ट का मतलब बीता हुआ कल। तो आइए सीखते हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस। आइए जानते हैं इसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य के अंत में या ये का यूज होता हो उसे पास्ट इनडेफिनेट टेंस कहेंगे। आइए जानते हैं इसे इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म या डिड का यूज हो उसे पास्ट इनडेफिनेट टेंस कहेंगे। जैसे नेहा बाजार गई, वाक्य के अंत में ई का यूज हो रहा है इसलिए ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। तो आइए जानते हैं यूज ऑफ डिड। सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ डिड का यूज होता है। आइए जानते हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस के यूज। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। डब्ल्यूएच फैमिली के लिए डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। हिमांशु ने पानी पिया, वाक्य के अंत में या आ रहा है इसलिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। सिंपल सेंटेंस में हिमांशु ड्रंक वाटर। हिमांशु यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्रंक यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, द वाटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में हिमांशु डिड नॉट ड्रिंक वाटर। डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे डिड नॉट का यूज किया है। ड्रिंक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड हिमांशु ड्रिंक द वाटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डिड हिमांशु नॉट ड्रिंक द वाटर। आइए जानते हैं इसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे। हिमांशु ने पानी पिया, हिमांशु ने पानी नहीं पिया। क्या हिमांशु ने पानी पिया, क्या हिमांशु ने पानी नहीं पिया। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज हिमानी। गुड बाय फ्रेंड्स।